से सनलाइट आती है साल में एक पर्टिकुलर डेज पे और सीधे अंदर गर्भगृह के अंदर जाती है। ये है मंदिर का मैसिव स्ट्रक्चर, पत्थर देखिए एकदम केदारनाथ वाले, ये देखिए पत्थर देख के लग रहा कितने मजबूत है। ये है वो टूटा हुआ पोर्शन। तो मुगल शासन में मंदिरों को नुकसान तो बहुत पहुंचाया गया है बट फिर भी ये मंदिर ऐसे ही खड़े हैं। गुड मॉर्निंग और एक और खूबसूरत सुबह। अभी हम हैं अल्मोड़ा के पास एक खूबसूरत से छोटे से गांव बसौली में। पिछले 3 दिनों से हम यहीं हैं और ये सुबह सुबह का नज़ारा है यहाँ का। अभी 5:30 हो रहे हैं और उजाला हो गया है। उधर दूर कहीं मुर्गा भाग दे रहा है और ये ऊपर मंदिर में अपने भजन आरती चल रही है और ये आलू नीचे भाग गया। सबसे पहले ये उठता है हमारा आलू। आलू काम आलू, इसकी बॉल दिखाते हैं, अभी आएगा। आलू आ रहा है, बॉल देख ली इसने अपनी, अब खेलेगा इससे। तो आज का हमारा प्लान है कटार देव मंदिर जाने का, कटार मल मंदिर, सूर्य देवता का मंदिर है वहाँ पे। तो अभी सब उठे हैं, तैयार व्यार होंगे, उसके बाद हम सब निकल जाएंगे। यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो जल्दी पहुँच जाएंगे। काम 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 आ काम काम आ जा आ जा आ जा काम काम गो। ये पागल हो गया बॉल देख के, आ जा। और तो ओलिवर नहीं जाएगा हमारे साथ आज क्योंकि मंदिर में इनकी एंट्री अलाउड नहीं है डॉग्स की, तो हम इसको यहीं पे नीचे छोड़ जाएंगे मौसी के वहाँ। तो आज ये पूरा दिन यहीं रहेगा नीचे और इसीलिए मैं इसको अभी ऊपर ले आया हूँ ताकि थोड़ा सा खेल ले। नो 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 दो जंप अभी। नहा धो के हो गए हैं मस्त तैयार और अब निकल रहे हैं हम कटारमल मंदिर के लिए। तो वो दोनों गाड़ी खड़ी है अपनी वहाँ पे, सब सो गए तैयार। ओली हमारे साथ नहीं जाएगा, ओली को हम नीचे मौसी का छोड़ देंगे। और टाइम हो रहा है अभी 10, तो यहाँ से 10 किलोमीटर है तो अराउंड 1 घंटा मान भी चलते हैं। चलो लेट्स गो। बोल दो। पहुँच गए गाड़ी पे, एक गाड़ी है अपनी और एक वो पीछे वाली है, इसमें सारे जाएंगे। चलो जी सब तैयार है चलने के लिए। कटार मल मंदिर, कटार मल नया रास्ता है, लग रहा है ना पहाड़ कटे हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं शॉर्टकट से चुराली रास्ते से, ये अराउंड 8 किलोमीटर है, रास्ता थोड़ा सा कच्चा जंगल के बीच से जा रहे हैं। मेन रोड है वो अल्मोड़ा होकर निकलती है, तो अल्मोड़ा का रास्ता थोड़ा लंबा है, यहाँ से 25 किलोमीटर करीब अल्मोड़ा है, 30-32 किलोमीटर करीब अल्मोड़ा, ये रोड अल्मोड़ा से है, ये शॉर्टकट है थोड़ा 8-10 किलोमीटर पूरा वो रखा है एकदम, कोई नहीं निकल जाएगी। करीब 4-1 किलोमीटर के बाद कच्चे रास्ते के बाद ये मेन रोड आ गई, रोड सही आ गई एकदम, नेशनल हाईवे आ गया ये थोड़ा सा लग रहा मुझे। तो अभी हम पहुंच गए कोसी, यहाँ पे लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो अब सीधे लंच ही करेंगे, फिर जाएंगे कटारमल। और ये कोसी रिवर, अब वो जा रही है अपनी पलटन, गाड़ी यहाँ लगा दी हमने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये
भगवाड़ी रहता आलू ठंडा बहुत है। तो ये है कटार मल की पार्किंग, अभी हमने गाड़ी यहाँ पे लगाई है और यहाँ से जब पीछे टर्न होता है तो व्यू देखना, ये है वैली का व्यू, ये और यहाँ पे नीचे बहुत सारे होटल गेस्ट हाउस होम स्टेज हैं, ये देखो नीचे पूरे ये यहाँ पे बना हुआ है और फिर इस साइड पूरा ये काफ़ी पीसफुल है, यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी क्योंकि पार्किंग तो यहाँ पे है बट मंदिर यहाँ से थोड़ा ऊपर है, तो अभी हम यहाँ गाड़ी नहीं लगाएंगे, यहाँ से गाड़ी लेके ऊपर जाएंगे। पार्किंग हालांकि इन्होंने यहाँ पे बनाई है ताकि इनकेस कभी ज़्यादा रश हो तो गाड़ी आराम से यहाँ पे खड़ी हो सके, और एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर भी है, वो नीचे रोड दिख रही है वहाँ से घूम घूम के हम दो से तीन किलोमीटर करीब आए होंगे और इस लोकेशन पर आ गए, यहाँ से ऊपर जाना हमें, फटाफट चलते हैं मंदिर में फिर आपको दिखाते हैं। ये है कटारमल मंदिर और ये इधर कटारमल गांव है, गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा रास्ता बस और ऊपर पहुँच रहे हैं वहाँ पर, ये है कटारमल गांव और मंदिर के रास्ता जा रहा है इधर से ऊपर के लिए। हाँ तुम भी हो, काफ़ी बड़ा गांव है यार ये नीचे से ऊपर तक, और ये आगे आके मेन ट्रैक पे कनेक्ट हो रहा है ये, क्योंकि नीचे से आता इस तरह यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा बना है यार घोड़ों वाला रास्ता, मेन रोड ही है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र और सबसे छोटे श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं, तो पहुंच गए हैं कटारमल सूर्य देवता के मंदिर सामने है, ऊपर से शायद कुछ नुकसान हुआ है, टॉप टूटा हुआ है मंदिर का, बाकी रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है नीचे से लेके ऊपर तक, बहुत अच्छा लगा मुझे ये बना रखा है, नीचे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिए पत्थर है पहाड़ के और बीच में सीमेंट। ये मंदिर का कोर्टयार्ड चारों तरफ और बीच में ये मेन, यहाँ से व्यू देखिए, हवा बहुत सही चल रही है, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही यहाँ पे, अभी टाइम हो रहा है 12:20 और सामने अल्मोड़ा दिख रहा है पूरा शहर, आगे एंट्री पे मूवमेंट प्लान हुसैन टेम्पल कटारमल डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, तो ये मैप मंदिर का, अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, वही है हिस्ट्री, यहाँ से सनलाइट आती है साल में एक पर्टिकुलर डे पे और वो सीधे अंदर गर्भगृह के अंदर जाती है, तो आर्किटेक्चर देख लो भाई पुराने ज़माने का एडवांस, अब वीडियोग्राफी बंद कर देते हैं। ये छोटे छोटे मंदिर है और ये है मंदिर गर्भगृह सामने, जो कि ऊपर कल इसका पोर्शन में बताया था नीचे से टूटा हुआ है और मुगल एम्पर ने तो तोड़वा दिया था, उसके बाद ही कभी बन नहीं पाया, और मंदिर अभी अपनी ओरिजिनल शेप में है, 1100 साल पुराना मंदिर, पत्थर देखो भाई कैसे बनाया होगा ये, तो भाई ये है मंदिर का मैसिव स्ट्रक्चर, पत्थर देखिए एकदम केदारनाथ वाले,
चने के पत्थर देख के लग रहा कितने मजबूत है। और इस पर टिका है पूरा मंदिर। उसका बेस हिल गया मंदिर छोटे वाले का, थोड़ा टिल्ट हो गया। और देखो मोस्टली ऊपर से डैमेज है, देखिए इसके टॉप डैमेज है। तो मुगल शासन में मंदिरों को नुकसान तो बहुत पहुंचाया गया है, बट फिर भी ये मंदिर ऐसे ही खड़े हैं। ये वो टूटा हुआ पोर्शन। लेजर्ड है बट कैसी है देखो इसके कलर, कैसे देखो पीछे पूरी ब्लू है, कैमोफ्लेज क्रिएट किया एकदम पत्थर कलर का हो गया। यहाँ से मूर्ति हटा दी भगवान की, आके बैठ गया यहाँ पे। अब आ रहा हूँ आए उधर से थे और जाए इधर से रहे। और ये शॉर्टकट है वो नीचे गाड़ी खड़ी हमारी वहाँ पे, वो वहाँ पे चढ़ने के लिए तो ठीक नहीं पर उतरने के लिए सही है, आराम से उतर सकते हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये पुरातत्व विभाग के अंदर में है, तो यानी कि अब इसकी 100 मीटर की रेडियस में कहीं भी कोई निर्माण नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। और ये 13वीं शताब्दी का मंदिर था, मैंने पहले 11वीं शताब्दी बोल दिया था, मैं 13वीं शताब्दी में बना था। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ नीचे आए बढ़िया से लोकेशन पे, इसका नाम है गुलदार वैली। और ये कैफ़े है रिवर साइड, इस तरफ है पूरा जंगल। ये कैफ़े की एंट्री ऐसे अच्छा सा बना हुआ है। ये नीचे कोसी रिवर, ये कैफ़े का व्यू। अभी थोड़ा मेंटेनेंस काम है लेकिन ये बहुत अच्छा कैफ़े है। ये कैंपिंग की फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे, नाइट स्टे है और फूडिंग है यहाँ पे। नीचे बॉल फायर का अरेंजमेंट भी कर रखा है इन्होंने, पानी बहुत साफ़ है यहाँ पे। अरे सामने वाले पहाड़ पे यहाँ पे 2 लेपर्ड हैं, वो आते रहते हैं, कई सारी वीडियोज़ में देखा होगा आपने। और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ बैठे हुए हैं। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें बारिश आने वाली है, अगर बारिश होती है तो और अच्छा हो जाएगा यहाँ पे बैठना हमारा। सही वेदर हो रहा है। तो वापसी में हम आए हैं कसार देवी की तरफ से अल्मोड़ा होते हुए, उधर से नहीं आए क्योंकि रास्ता थोड़ा कच्चा था, बारिश भी हो रही थी तो सेफ़ नहीं था। तो हमने वापसी में सोचा कि अल्मोड़ा की तरफ से आते हैं। अल्मोड़ा की तरफ से आते समय कसार देवी हमने जस्ट क्रॉस किया, और इसके पीछे कसार देवी है। और ये देखिए यहाँ का व्यू, बारिश हो रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा है। फटाफट निकलते हैं, हम आ गए वापस। और ओली हमें मिस कर रहा था थोड़ा दिन, अभी दिखाते हैं उसका रिएक्शन। ओली
ओली आ गया हूं। वाटे कहा था तू दिन